गार्डनर भाई पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं जेड प्लांट की ग्रिल। ये हमने जो कल की वीडियो थी उसी का कंटिन्यूशन है। हमने कहा था कि नया डिजाइन बना के दिखाएंगे। तो देखिए ये रूट्स वाला है, ये हमने प्लांट उसमें से निकाले थे बहुत सारे, तो कुछ का जो हमने उनको अलग से लगा के जो है रख दिया है आगे ग्रोथ होने के लिए, ताकि हम उनमें बॉन्साई बना के दिखा सकें, क्योंकि उनमें बहुत शाखाएं थी और जो ग्रिल बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा शाखाओं की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमने कुछ ऐसे प्लांट सेलेक्ट करे हैं जो सिंगल स्टिक हैं मगर वो रूटेड हैं। इससे पहले जो हमारी ग्रिल की वीडियो आई थी वो एक पॉट के अंदर थी, राउंड पॉट के अंदर। तो इनकी सबकी हमें कटिंग्स करनी है, मतलब हमें एक एक जो है इसकी शाखाएं हैं इनको हमें काट देना है, ये रखना नहीं है। जैसे ये नीचे हैं पूरी, इन सबको हमने कट कर देना है, जितनी भी हैं इनको कैंची के सहारे से या फिर किसी कटर के सहारे से हम इसे कट कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, जैसे इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं पर ग्रिल में हमें शाखाओं की जरूरत नहीं है, तो हमें शाखाओं का जो है त्याग करना पड़ेगा। ये देखिए इसे मैं काट के अलग कर रहा हूँ और ये इसके साथ में दूसरी शाखा है, इसको भी मुझे काटना पड़ेगा और सिंगल शाखा जो है रखनी पड़ेगी। ये सारे प्लांट जो है मतलब ये काफी शाखाओं वाले हैं, कुछ एक को छोड़ के देखिए सब में शाखाएं हैं, तो ये सारी के सारी मुझे कट करनी पड़ेंगी ताकि जो है अच्छे से ग्रिल बन सके। तो जिनमें शाखाएं हैं उनको कट करके मैं हाजिर होता हूँ। ऐसे इसकी कट करने के बाद दो शाखाएं रह गई, तो मैं अभी इस समय जो है दुविधा में हूं कि कौन सी काटूं। तो जब हम बनाएंगे तब उस समय डिसीजन लेंगे, ऐसे वक्त में एकदम जल्दी नहीं करनी चाहिए, बनाते वक्त अपने आप को पता लग जाएगा। तो इस ग्रिल के लिए भी हमें इवन नंबर में जो है शाखाएं चाहिए होती हैं, हो सकती हैं 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, जितनी बड़ी आप जो है उसका फ्यूजन आपने बनाना है उस हिसाब से आपको जो है उसकी जरूरत पड़ती है, तो आप यूज करें। मैं इस समय 12 शाखाएं रख के बैठा हूं और इनमें जो है कुछ जो है बिना रूट्स के भी हैं। देखिए ये बिना रूट्स की हैं और जबकि ये मेरी परसों की कटी हुई हैं, मैं मेरे एक्सपेरिमेंट में भी आ जाएगा। तो इनको जो है मैंने आज पानी में डाल दिया है, 2 दिन मैंने सूखने रखा था, जबकि गर्मियों में इसको सूखने रखने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वाटर जो है एवेपोरेट होने लगता है, तो जो है लगने में ज्यादा मुश्किल आ सकती है। सर्दियों में आप और बरसातों में आप इसको 2 दिन जो है सूखने रखें, मतलब जैसे आप निकालें, जड़ वाले को तो नहीं लेकिन जैसे इस रंग की शाखाएं हैं इनको 2 दिन के लिए आप रख दें, तब इसको जो है प्रोपोगेट करें। ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, इसको गीला कर रहा हूं क्योंकि सूखी मिट्टी में ये स्टे नहीं करेंगी, इस वजह से मैं इसको जो है पानी डाल रहा हूं इसके अंदर। देखिए लगा देने के बाद टाई करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो इस ढंग से हम दो शाखाओं को पहले जोड़ लेंगे तब लगाएंगे, क्योंकि बाद में जब लग जाने के बाद में ना टाई करने में टाइम ज्यादा लगता है। ये देखिएगा ये हमने 4 ऐसे जो है बांध के इकट्ठे कर लिए हैं, इससे जो है बनाना आसान होता है। मतलब मैं क्योंकि आपको मैं तो बना लूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आसानी से सीख जाएं इस काम को, और नहीं तो जो है आपने क्या करना है एक इधर और एक इधर करके इस ढंग से खड़ा करना होता है। तो हमने पहले ही इनको टाई कर लिया, उससे जो है बहुत आसानी रहती है और साइज तकरीबन एक जैसा सा आता है। तो मैं इसमें जितनी लगेंगी मैं उतनी लगाऊंगा, मैंने 4 टाई कर ली हैं। ये देखिए रूट्स हैं, हम इसको बड़े आराम से अंदर डालेंगे क्योंकि रूट्स खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरियल रूट्स भी हैं इसमें, एयर रूट्स जो हैं वो ही इसके लिए भोजन बनाती हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है। और ये अब दूसरा है इसका, इसको भी जो है हम नीचे ही डालेंगे, थोड़ा सा हम गड्ढा कर रहे हैं हाथ से ही और इसको जो है इसमें डालेंगे, क्योंकि रूट्स वाले हैं, बिना रूट्स वाले के साथ थोड़ी आसानी होती है और पॉट के भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉट किस साइज का है। ये हम जो है इसको इस ढंग से कर देंगे। अब ये दूसरा जो है हम इसमें डालेंगे, देखिए हमें इसको आगे क्रिएट करके चलना है। इसमें 3 ही आ पा रहे हैं, ये थोड़ा साइज में छोटा है, लेंथ वाइज मैं बना रहा था तो इसमें 3 ही आ पा रहे हैं ढंग से, तो हम 3 ही इसके अंदर डालेंगे। ये तीसरा जो है रूट्स को हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे, इसमें 1 बिना रूट वाला भी है हमारे पास, तो वो भी हम उसमें डाल रहे हैं। हमें मालूम है कि ये लग जाएगा क्योंकि अभी इनका जो है जेड प्लांट का ग्रोइंग टाइम है, तो जिस भी पौधे का ग्रोइंग टाइम जब होता है तब उसकी कटिंग्स आराम से लग जाती हैं। देखिए अब जो है इनको हम ऊपर से टाई करते हुए चलेंगे। ये देखिए हम पहला टाई इसका यहाँ कर रहे हैं, ये देखिएगा ये फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बहुत आसानी से, कोई चीज के सहारे की जरूरत नहीं। ये देखिए ये अपना जो है ग्रिल वर्क भी हुआ और फ्यूजन भी हुआ।
तो इस ढंग से देखिए आप, हम आगे करते हुए चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कितना बढ़िया आप देखेंगे कि जो है ये तैयार होएगी ग्रिल। ये देखिए एक नॉट हमने वहाँ बांधी थी, एक नॉट हम यहाँ बांधेंगे अब। ये देखिए बहुत आसानी से इसमें, बस आपको जो मूल समझ लेना है उसके बाद में आप बहुत आसानी से कर लेंगे और कोई भी बना सकता है। ये खाली हमारा प्रेजेंट करने का डिज़ाइन आप लोगों के सामने इजी ढंग से प्रेजेंट करने का कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इसको लर्न करें और सीखें। देखिए अब हम इसका एक फ्यूज़न यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, देखिए आप। तो मैं इसके यहाँ थोड़ा कटिंग करके हाजिर होता हूँ। ये देखिए अब हम इसको यहाँ से टाई करेंगे, बहुत आराम से करना है, नो जल्दी, क्योंकि बहुत नाजुक शाखाएं होती हैं, एक भी शाखा टूट जाएगी तो फिर उसके आगे उसको मुश्किल आ सकती है। हम कर रहे हैं, हम इसको साइड से दे रहे हैं, ये हमने इसमें डाल दिया आराम से। आपने गोल का देखा होगा और ढंग से देखा होगा, ये आप पहली बार आप देखेंगे इसमें। ये देखिए पहला टाई हम यहाँ पे करेंगे, ये बिल्कुल नया है, इनोवेटिव आइडिया है। आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये इसके साथ टाई अप हो जाएगी ऐसे। ये देखिएगा इसको यहाँ टाई करेंगे, बिल्कुल 100% साइज नहीं बनता है क्योंकि शाखाओं की जो है अलग अलग अपनी स्थिति होती है, तो अनुकूलता के हिसाब से काम होता है। अब यहाँ इसको हम टाई करेंगे, देखिए अब ये देखिए यहाँ इसको हम बांधेंगे और अगला जो है ये इसके साथ बंधेगा। आप देखिए बिल्कुल, आपने फाइकस का देखा होगा, आपने कनेर का देखा होगा, आपने और पौधों का देखा होगा, मगर आपने जो है जेड प्लांट की जो है ये पहली बार आप देख रहे होंगे। ये फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब पे जो है हम बना रहे हैं और ये जो है हम इसको भी इधर से कर रहे हैं, देखिए। जबकि इसके साथ अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो ये जा सकती है, तो हम इसको ना करके इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ग्रिल का जो है शेप ले लेगी। ये देखिएगा इसको हमने यहीं से हम टाई कर रहे हैं, ये देखिएगा ऐसे ही इसको हम इसके साथ करेंगे। और यहाँ हल्का सा जो है, ये वैसे दो शाखाएं हमने छोड़ दी थी, इसकी हमें एक शाखा को हटाना पड़ेगा तब जो है इसको इसके साथ टाई किया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको जो है मेन हमने फ्यूज़न बना के दिखा दिया। ऐसे जैसे ये शाखा बढ़ती जाएगी इसको टाई किया जाएगा, ये बढ़ेगी इसको आपस में टाई किया जाएगा, ये बढ़ेंगी इनको आपस में टाई करते रहेंगे, और इस ढंग से जो है डिज़ाइनिंग आगे बढ़ती रहेगी। और ये आप जितनी हाइट तक ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वैसे 1.5 फुट से ज़्यादा ले जाने का कोई यूज़ नहीं है। तो ये पूरा एक जो है आप देख रहे हैं जाल बन गया, जिस जो ये जो है फ्यूज़न वर्क में आता है और ग्रिल वर्क में भी जो है इसका इसको लिया जाता है। तो हम इसके अंदर जो है अभी एक बार पानी दे देंगे, उसके बाद में हमने 6-7 दिन तक इसको पानी बिल्कुल नहीं देना है, और इसके ऊपर जो है हल्का सा अगर पन्नी डाल सके तो डाल दें, नहीं तो इसको बिल्कुल छाया में रखना है और आराम से जो है फिर बाद में जो है 15-20 दिन बाद इसको धूप में निकालना है, उससे पहले धूप में नहीं निकालना है। बहुत ज़्यादा अगर आप चाहें तो इसको जो है आधे घंटे की धूप में रखा जा सकता है, वो भी सुबह की धूप में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।